फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जी सुबह सुबह का टाइम है और ये मैं बना रही हूँ पराठे। सर्दियों में तो वैसे ही पराठे खाने का बहुत ही मज़ा आता है, और वो भी जब सरसों का साग हो और पराठा हो तो सर्दियों का मज़ा और दुबाला हो जाता है, और वो भी माँ के हाथ का बना हुआ साग, वाह सही चस करा देता है। अच्छा, यहाँ पे साग और रात की गोभी बनी हुई थी तो मैंने उसके साथ पराठा खाया, और मैं नॉर्मली जो खुद नाश्ता करती हूँ वही बच्चों को भी करवाती हूँ। बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सचेस नहीं बनाती, इट्स ऑल डिपेंड ऑन मूड। कभी जो है लाइट नाश्ता चल जाता है एग ब्रेड, और कभी इस तरह का हैवी खाने का भी दिल चाहता है। अच्छा जी, तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का भी फेवरेट नाश्ता मेरी तरह सरसों का साग और पराठा है कि नहीं? यहाँ पे मैं बना रही थी एक फेस मास्क जो कि बहुत ही बेस्ट है फॉर विंटर्स एंड वेरी इफेक्टिव हाउसवाइफ्स के लिए, तो बेस्ट है। आपने क्या करना है, बेसन ले लें और बेसन के अंदर ना हल्दी और मीठा सोडा, मैंने ये सारा मिक्सचर बना के जार के अंदर रखा होता है, और जब मैं अप्लाई करने लगूँ तो इसमें विटामिन सी और रोज़ वाटर एंड लेमन ऐड करके इसको अप्लाई करती हूँ पेस्ट बना के फॉर 15 मिनट्स। इट्स वेरी 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 गुड एंड इफेक्टिव, इससे ग्लो आता है स्किन में और स्किन ब्राइट होती है। और इसके साथ ही मैं यूज़ करती हूँ विंटर्स के लिए मॉइस्चराइज़र जो है वो स्किन एक्वा का है, ये बहुत बेस्ट है, आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ, और इससे भी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ हो जाती है, ड्राई नहीं होती रहती इससे स्किन, बहुत अच्छा है। अगर कोई लेना चाहता है तो रिकमेंडेड है, ले लें आप। स्किन केयर के बाद मैंने देखा कि कपड़े तो इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, वैसे मैं डेली बेस पे ही कपड़े धो लेती हूँ लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आती। फिर मैंने फटाफट से मशीन लगाई, बच्चे तंग कर रहे थे कि बाहर जाना है, मार्केट जाना है, मार्केट जाना है, तो फिर मैं उनको मार्केट ले गई। बस अब मार्केट लेके गई हूँ और बच्चों का वही जो एज यूजुअल जंक, जंक के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, सुबह शाम बच्चों को खाना कम और इनको जंक फूड ज़्यादा चाहिए, तो बस ये तो डेली की रूटीन है। वॉक भी हो जाती है और साथ बच्चों की थोड़ी सी फेस्टिविटी भी हो जाती है, और इसके साथ साथ बस जल्दी जल्दी से मेरी बेटी ने जो जो उसको पसंद था वो उसने उठा लिया, तो हम बस ले के निकले मार्केट से। आ गई थी तो चाय पीने का दिल चल रहा था, ये शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलें चाय बनाते हैं, और चाय नॉर्मली मैं गुड़ की बनाती हूँ। और ये देखें जी, जंक फूड आ गया तो ऑफ़ कोर्स वो उसी टाइम उसी वक्त सारे का सारा खाना होता है, हमने तो एक चीज़ नहीं छोड़नी होती। चाय मेरी मज़े की बन गई थी, शुगर मैंने बिल्कुल आउट की हुई है आजकल क्योंकि बस वेट बहुत गेन हो रहा है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा अवॉइड करूं। चाय देखें हमारी तैयार हो गई है, मज़ेदार सी चाय। कौन कौन चाय का फ़ैन है, मतलब आई एम एडिक्टेड, मुझे दिन में जितनी बार भी कोई चाय का कप दे देगा ना मैं उसे इनकार नहीं करूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बॉयल्ड राइस क्योंकि दाल बनी हुई थी और दाल तो इनकम्प्लीट होती है बॉयल्ड राइस के बगैर, तो मेरी फेवरेट दाल चावल, तो मैंने कहा चावल बॉयल कर लेती हूँ। चावलों में मैं नॉर्मली विनीगर और सॉल्ट ही डालती हूँ बस, और इसके साथ साथ मैं जो हूँ राइस की हमेशा जो पिच है उसको सेव करती हूँ, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर किड्स, आप बड़ों के लिए भी अच्छी है, इससे पेट ख़राब नहीं होता, डायरिया के जो पेशेंट हैं वो इसको ज़रूर लें, इट्स वेरी गुड रेमेडी। अच्छा जी, शाम का टाइम था, अब हम अपना खाना खा रहे थे, दाल चावल और बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही लाजवाब। तो दाल चावल खा के किस किस के मुंह में पानी आता है, मेरे मुंह मैं तो देख लूँ दाल चावल तो मैं कहती हूँ मेरा, मुझे उसी टाइम क्रेविंग होना शुरू हो जाती है कि मुझे मिल जाए। अच्छा खैर, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा मी टाइम कर रही थी। होप यू लाइक माय व्लॉग्स, डू अप्रिशिएट मी। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।